हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता'स किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज कर रही हूँ बैकपैक कर रही हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी है, वेडिंग है उसकी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहन की शादी है। तो बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे और आपके लिए भी मैं अकेली नहीं करूँगी, आप भी हमारे साथ करिएगा एंजॉय और मस्ती, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करूँगी जितना भी हो सके, मैं ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप भी देखो कि हमारे यहाँ वेडिंग कैसे होती है, शादियाँ कैसी होती है। और बहन की शादी में बहुत ज़्यादा मस्ती और मज़ा आता है। तो आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छे वीडियोस मैं बनाऊंगी और आप भी एंजॉय करना उस वीडियो को, ब्लॉग को। तो मैं यहाँ पर इस तरह से देखिए, मैं बहन को देने के लिए ये लगेज तैयार कर रही हूँ और इधर मैं कर लूँगी अपनी पैकिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हूँ पैकिंग करने समय कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ, और थोड़े ज़्यादा दिन के लिए अभी जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा पैकिंग करना होता है। तो जब ट्रेन में या ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत सारा लगेज को कैरी करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये जो देखिए मैं आपके साथ ऑरेंज कलर की साड़ी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत पहले की साड़ी है, बहुत पुरानी, मतलब 10 से 12 साल पुरानी साड़ी होगी, लेकिन मैंने इसे 1 से 2 बार ही पहना है और इसका जो वर्क है वो बहुत ही सुंदर है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 1 या 2 लगेज हो, इससे ज़्यादा ना हो। मैं इतना ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मुझे कम से कम लगेज ले जाना पड़े, फिर भी 3 लगेज तो हो ही जाएगा। तो ये जो बड़ा बैग है, पहले मैंने इसमें रखा था सारा सामान और उसके बाद मैं एक और दूसरे सामान में लगेज में रख दिया मैंने। और क्योंकि इसको ये जब बड़ा वाला जो ट्रॉली होता है और ये भर जाता है तो इसको उठाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने इसको अलग अलग फिर 2 ट्रॉलियों में डिवाइड कर दिया। और यहाँ जो मैं आपको ग्रीन कलर की ड्रेस दिखा रही हूँ, ये मैंने साड़ी से बनाई है जो कि मेहंदी में पहनेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि कैसा इसका लुक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है इसके लिए वीडियो बनाने के लिए। और मैं ज़्यादातर कॉटन की साड़ियाँ रख रही हूँ क्योंकि गर्मी का सीज़न है और मस्ती भी करनी है, शादी है। तो सारे कुछ जो है मैं कॉटन की रख रही हूँ कुछ ज़्यादातर, क्योंकि गर्मियों में अच्छी रहती हैं कॉटन के कपड़े। और मैं यहाँ पर देखिए 1 बैग जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुका है। तो अभी देखिए बहुत सारा कपड़ा जो है वो बाहर ही है। तो देखिए मुझे अभी और भी सब कुछ अरेंज करना होगा, तो मैं आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। तो वो सब हो चुका है और मैं यहाँ गई हूँ, ये जो श्रृंगार का सामान होता है वो सब, मैं जो मेकअप का सामान, ये सब में मुझे क्या क्या चाहिए, ये मैं इससे मुझे जो चाहिए वो मैं कर लूँगी एक तरफ। और ये लिया है मैंने बैंगल जो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा बैंगल था और ये कांच का बना हुआ है, तो इसको पहनने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो मैं उसके आगे की वीडियो नहीं बना पाई हूँ, उसके नेक्स्ट डे की ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो ट्रेन की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाने में भी ये अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाया था छोटा सा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियोस में बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए क्योंकि अभी बहुत ही अच्छे अच्छे शादी वाले वीडियोस आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।